मुंबई को दहिसर से भाईंदर तक जोड़ेगा, फिलहाल कोस्टल रोड पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। जी हाँ, कोस्टल रोड जनवरी में आवागमन के लिए खुलेगा या फिर फरवरी में, इसे रोककर तो असमंजस है ही, लेकिन अब कोस्टल रोड पर टोल टैक्स को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने बताया कि टोल टैक्स लेना है या नहीं इसका निर्णय सरकार करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीएमसी टोल टैक्स के लिए प्रपोजल सरकार को भेजेगी, तो उन्होंने कहा कि बीएमसी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं भेजने वाली है। सीआरजेड की मंजूरी के लिए केंद्र पर्यावरण विभाग के पास बीएमसी द्वारा 11 मई से 2017 को भेजे गए प्रस्ताव में भी साफ लिखा है कि कोस्टल रोड फ्रीवे होगा, इसमें टोल नहीं होगा। वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीएमसी ने कोस्टल रोड पर टोल टैक्स लगाने की योजना बनाई है। ठाकरे ने इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सपा विधायक राइस शेख ने भी इस पर नाराजगी जताई है। कोस्टल रोड निर्माण की डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। बीएमसी की योजना थी कि दिसंबर 2023 तक कोस्टल रोड की एक लेन आवागमन के लिए खोल दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2024 जनवरी में कोस्टल रोड की एक लेन को खोल दिया जाएगा। उधर बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अभी 83% काम पूरा हुआ है, इसीलिए जनवरी में ऐसा होना मुश्किल है। फरवरी 2024 में एक लेन खोला जा सकता है।